दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय LIC, हर पल आपके साथ। कहते हैं सफलता हौसलों और विचारों से आती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंटरनेशनल कराटे प्लेयर सुप्रिया जाटव जी। आइए उनसे हम बात करेंगे कैसे शुरुआत की उनने और इस मुकाम को पाने के लिए उनने किस हद तक मेहनत की। मैम, इतना बड़ा मुकाम पाया, आपने हासिल किया, इतना आसान नहीं रहा होगा। डेफिनेटली कोई भी बड़ी उपलब्धि बहुत आसानी से कभी नहीं मिलती। आपने जब शुरुआत की, आपके फैमिली में कैसा सपोर्ट रहा है, थोड़ा सा मुझे बताएं। जी, माँ बाप का शुरू से सपोर्ट रहा है, एक अच्छा सपोर्ट रहा है। जैसे कि हम कुछ अलग और नया शुरुआत करते हैं तो सपोर्ट भी आपकी फैमिली से मिलता है और अपोज भी आपकी फैमिली से होता है। तो बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो ये जरूर बोलते थे कि बेटी को कराटे करा रहे हैं, हाथ पैर टूट जाएंगे और फिर शादी कौन करेगा, या ऐसी बहुत सी चीज़ें आती थी। तो मैंने समय के साथ साथ उन सारी चीज़ों को ओवरकम किया, स्टेप बाय स्टेप अपने अचीवमेंट के थ्रू अपने माँ बाप की मानसिकता बदली, समाज की मानसिकता बदली, रिश्तेदारों की मानसिकता बदली। आज वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी कराटे करें और मेरे जैसे बने। मैम, जब हम बोलते हैं कि मात्र एक महिला जो USA में गोल्ड मेडलिस्ट थी, आपको कैसा लगता है? जी, ये एक्चुअली US ओपन गोल्ड होना अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं नहीं कह रही क्योंकि मैंने अचीव किया है, क्योंकि US ओपन का गोल्ड बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है। तो या ये जब मैं सुनती हूँ, जब मैंने पहली बार मुझे अपने आप को ये टारगेट दिया कि मुझे US ओपन का गोल्ड लेना है, तब ये टारगेट भी बहुत मुश्किल था कि मैं इस चीज़ को ले पाऊँगी या नहीं। बट मैंने अच्छी ट्रेनिंग की, मेरे कोच साहब मेरे साथ थे, पूरा टीम मेरे साथ था, इंडिया का अच्छा खासा सपोर्ट था। तो आज जब ये सुनती हूँ कि मैंने US ओपन के LE डिवीज़न का गोल्ड लिया है, तो हाँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैम, आपका मैं सबसे अच्छा पल जानना चाहूँगा, जब आपने बताया कि पाकिस्तान से मैच था तो आपकी आर्मी टीम से मैच था, तो उस वक्त क्या हुआ था, कैसा लगा आपको? जैसे जो सबसे अच्छा पल रहा वो ऑब्वियसली US ओपन का गोल्ड रहा था अभी तक, क्योंकि मैं अब तक की पहली भारतीय खिलाड़ी हूँ जिसने ये 5-1 से मैच को जीता था। US ओपन में मैंने 6-1 से मैच जीता था और मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मेरा फाइनल US से था। मुझे ऐसा लग रहा था कि US और US को सपोर्ट ना हो फर्स्ट, क्योंकि होस्ट कंट्री था। तो हालांकि ऐसा नहीं हुआ, मैंने एक अच्छा परफॉर्म किया, 6-1 से अपना मैच जीता। तो हाँ, अब तक का सबसे एक स्वर्णिम उपलब्धि के साथ जो यादगार यादें होती है वो US ओपन चैंपियनशिप के साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान से मैच के बारे में जरा सा। जी हाँ, मैं सेल्फ चैंपियनशिप में थी, मैं पाकिस्तान से मेरा फर्स्ट राउंड था और मैं काफ़ी पीछे चल रही थी स्कोर से। बट मेरे कोच का जो कोऑर्डिनेशन था और उनके जो मुझे लेकर एक बहुत अच्छी समझ थी, उनके वो एक शिक्षा प्रणाली है और जो कोचिंग की स्ट्रेटजी है, उसके थ्रू मैं वो मैच जीती। एंड ऑफ द स्कोर मेरा था 6-4। तो हाँ, मैं पीछे चलते चलते आगे हुई और मैंने वो मैच जीता। हाँ, अगर मैं हार जाती तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ती, और दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे पाकिस्तान से नहीं हारना है, क्योंकि बहुत सारी फिर बाद में गालियाँ सुनने को जरूर मिलेगी। तो वो डर था जिसकी वजह से मैंने वो मैच जीता। मैम, आपके पिताजी आर्मी से संबंधित हैं, उनका कितना सपोर्ट रहा आपको? या पापा ने कहा था, तूने किसी से भी हार जाना, पाकिस्तान से मत हारना। तो वो मेरे लिए बहुत टफ मोमेंट था। मुझे याद आया कि यार, गोल्ड तो ठीक है, गोल्ड तो अपने आप में गोल्ड है, ये मैच को जीतना पाकिस्तान से भी मेरे लिए एक दूसरा गोल्ड है। तो या पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, एवरी टाइम ही सपोर्टेड मी, और बिना पापा के सपोर्ट के मैं आज यहाँ नहीं होती। आज महिला सशक्तिकरण की बात होती है, आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को, क्या करें वो? महिला को सशक्तिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, महिला अपने आप में बहुत सशक्त है और बहुत एक अपने आप में एक शक्ति है, तो बस उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। वैसे तो ये थी हमारे साथ सुप्रिया जाटव जी, जो इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हैं। इनका साफ कहना है कि महिलाएं खुद में शक्ति हैं, उनको पहचानने की जरूरत है अपने आप को। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।